गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी बज रहे सुबह के 8:13। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वेल हेलो नमस्ते केम से स्वागत है आपका धर्मेश पी व्लॉग में। सो देखिए सुबह सुबह दादी माँ हमारे घर पे आए हैं, क्या बात है, आइए बैठिए। सुबह सुबह क्यों आए होंगे दादी माँ, चलो उन्हीं से पूछते हैं। दादी माँ जा रहे हैं उनके भैया के घर पे और उनकी मम्मी को मिलने के लिए। आप सोच रहे होंगे मेरी दादी माँ ही इतनी बड़ी है तो उनके मम्मी तो कितने बड़े होंगे। सो वो हमारे दादी माँ उनकी मामी को, मामी को तो मेरे चाचा मिलने जा रहे हैं। सो दादी माँ उनकी मम्मी को मिलने के लिए जा रहे हैं और दादी माँ के भैया की तबीयत खराब थी इसलिए जा रहे हैं सभी लोग। चाचा जा रहे हैं, दादी माँ और मेरे मम्मी पापा भी जा रहे हैं। सो चलो वो सब रेडी होते हैं तो निकल जाएंगे। सो देखिए मेरे पापा भी रेडी होके जा रहे हैं और चाचा भी जा रहे हैं और दादी माँ भी निकल गए हैं और मेरी मम्मी भी देखिए रेडी होके जा रहे हैं। और कल चाचा और मेरे पापा और भी दूसरी जगह पर गए हुए थे। सो उनकी बाइक की हालत देखते हैं कैसी हुई है। ये देखो धूल मिट्टी, लाल धूल मिट्टी, रेड धूल मिट्टी जमा हो गई है, देखिए ऐसी है बाइक। सो देखिए ये भी होंडा की बाइक है हमारी और ये चाचा की भी होंडा की बाइक, दोनों भाई होंडा की बाइक लेके जा रहे हैं। मेरे पापा बड़े हैं उसके लिए उन्होंने 125 सीसी लिए और मेरे चाचा मेरे पापा से छोटे हैं इसलिए उन्होंने ली है 110 सीसी की। सो ये बड़ी गाड़ी है होंडा की और ये है छोटी गाड़ी होंडा की, देखिए दोनों भाई होंडा की बाइक लेके जा रहे है। सो चलो वो निकल गए अभी। सो पशुओं की जगह पर अभी आज कंप्लीट हो चुका है, कल दोपहर के बाद यहाँ पर भी लगा दिया खापर ले करके। यहाँ पर देखिए अभी भी थोड़ी सी बची हुई है। सो ऐसा कुछ है, देखिए अभी यहाँ पर छाया भी ज्यादा हो गई है वरना यहाँ पर धूप आती थी। सो वो भी एक काम हो गया और अभी इतनी हवा नहीं चलेगी क्योंकि अभी तो ठंडी आने ही वाली है। सो ऐसा कवर कर दिया है पूरे में। और हमारे पास में खेत है वहां पर तो मूंगफली निकालना स्टार्ट भी कर दिया है उन्होंने, अभी हम भी करेंगे आगे आगे थोड़े दिनों बाद स्टार्ट। इसीलिए ही तो ये सब कुछ काम अभी जो भी कुछ होता है वो कंप्लीट करने लग गए हैं ताकि जब ये काम स्टार्ट हो जाए तो अभी दिक्कत ना आए, वरना ये सब करने का टाइम ही नहीं मिलता मूंगफली के काम में लग जाते तो। सो ऐसा कुछ है, अभी दोपहर को विमल को पिक करने भी जाना है क्योंकि स्कूल की छुट्टियां हो गई है अभी सभी जगह पर। सो विमल को भी आज जाना है पिक करने क्योंकि चाचा और मेरे पापा तो गए हुए हैं उनके मामा के घर पे। सो मुझे लेने जाना पड़ेगा विमल को। सो चलो वो भी आपको दिखाता चलूंगा सब कुछ, आगे आगे कुछ ना कुछ करना है वो भी। सो अभी 11:44 हो रहे है। सो चलो अभी सभी पशुओं को उठाते है, सभी बैठे हुए है तो सभी को उठाते हैं और पानी पिला लेता हूँ, फिर उसके बाद डालना है मूंगफली का सूखा चारा। सो चलो डाल देता हूँ, मतलब पहले पानी पिला देता हूँ और फिर डालेंगे। सो देखिए सभी पशुओं को थोड़ा थोड़ा पानी पिला दिया है, ज्यादा तो पिया नहीं क्योंकि सुबह में पिलाया होता है इसलिए अभी दोपहर के टाइम पे तो इतना नहीं पीते है। तो देखिए दोनों बफेलो भी खाना खाने लगी है, मूंगफली का सूखा चारा लिया था, और देखिए बैल भी खाने लगा है। और अभी दोनों ये कटड़ियों को चलो अलग अलग बांधना है, एक को यहाँ पर बांधते हैं और दूसरी को वहां पर बफेलो के पास में। सो चलो अभी ये दोनों को भी वहां पर बदल लेता हूँ। देखिए कटड़ी को भी यहाँ पर बांध दिया है और ये भी मूंगफली का सूखा चारा खाने लगी है, देखिए दोनों अच्छे से सीख गई है अभी तो। और देखिए ये हमारी वाली भी खाने लगी है, ये देखो। सो ये दोनों को भी यहाँ पर बांध दिया है और वो भी खाने लगी। सो ऐसा कुछ है, तो चलो अभी हम भी खा लेते हैं उसके बाद फिर से पशुओं को डालना है चारा। सो चलो, और हमारे बड़े पापा ने मूंगफली निकालना भी स्टार्ट कर दिया है, हमारे से पीछे लगाई हुई थी यहाँ पर पास में थी जो। सो उन्होंने पीछे लगाई फिर भी अभी निकालने लगे हैं। सो देखिए यहाँ पर लगे हुए है मेरे भाई और बड़े पापा, मिनी ट्रैक्टर से ही मूंगफली निकाल रहे है। सो ये दोनों कटड़िया बोलने लगी हमें छाछ तो पिला दो। सो चलो अभी दोनों को छाछ भी पिला रहे है, मेरी सिस्टर अभी टब में भरने के लिए गई है, ये देखिए अभी इसमें
आधा डाल देंगे, फिर दोनों को दे देंगे। मुझे ऐसा था कि खाना खाने के बाद पिलाते हैं, लेकिन ये आवाज लगा देने लगी, आवाज लगाने लगी तो पहले ही पिला देते हैं, फिर खाना खाते हैं हम। सो मेरी सिस्टर गई हुई है, अभी छाछ भर लेती है और फिर टब में दोनों को बांट देते हैं। देखिए मेरी सिस्टर लेके आ रही है छाछ, और अभी इसमें आधा कर लेंगे। दोनों के लिए अलग अलग टब में निकाल ली है, अभी दोनों को दे देंगे। सो देखिए ये वाली को लगा दी है, वहां रख दो वहां, वरना ये टब में गिर जाएगी। हाँ रहने दे, इसको दे दिया है, अभी ये लेके इसको दे देते हैं। सो देखिए दोनों पीने लगी है, इसी तरीके से अभी पी लेंगी। सो चलो अभी हम भी खाना खाने बैठ जाते हैं। ये खाना खाने बैठ गए हैं, वार की सब्जी है और छाछ और बाजरी का रोटा। सो चलो जल्दी से खाना खा लेते हैं, उसके बाद मिलता हूँ। सो खाना कंप्लीट हो चुका है, अभी चलो पशुओं को देख लेते हैं, उसे सूखा चारा डाला था वो खा गए है कि नहीं, क्योंकि आज मम्मी पापा नहीं है इसलिए थोड़ा देखना पड़ेगा। देखिए अभी तो सभी खा रहे हैं। सो चलो ये टब ले लेते हैं वापिस, रख देते हैं, कतड़ियों ने छाछ तो कब की पी ली है। सो चलो टब रख दिए है, अभी हाथ धो लेता हूँ। सो सूखा चारा खा लिया है सभी पशुओं ने, देखिए अभी थोड़ा बहुत तो बचा हुआ होगा, लेकिन अभी खा नहीं रहे हैं, खा लिया है पूरा। तो चलो अभी ग्रास डाल देते हैं, ग्रास डालने के लिए बोला था इसलिए। सभी को डाल दिया है, इन दोनों के लिए भी थोड़ा सा ले लेते हैं। सभी बच्चों को डाल दिया है। तो चलो अभी विमल को पिक करने जाना है, तो निकलते हैं वहीं पे। सो निकल चुके हैं घर से अभी विमल को पिक करने के लिए। सो देखिए चाचा के घर पे पहुंच गया हूँ, लेकिन अभी चाची को बता के नहीं जा रहा हूँ, सीधा आते वक्त मिलते हैं, चाची को सरप्राइज करेंगे, देखते हैं कैसा होता है। वैसे वो कैमरे में तो नहीं आते हैं इतना, लेकिन फिर भी ट्राई रहेंगे, ट्राई हो सके। सो उसे बता के नहीं जा रहा है, सीधा अभी विमल को पिक करके आऊंगा, तभी वहां पर जाएंगे घर पे। बाजार पे पहुंच गए हैं, अभी यहाँ से सीधा बाईपास बाईपास का रास्ता ले लेंगे, जो NH-41 जा रहा है वो। देखिए NH-41 आ चुका है, मतलब हाईवे, सो इसका नाम NH-41 है। सो चलो अब यहाँ से आगे आगे जाएंगे तो ये जो राइट साइड का एन है वहाँ पर आएगी विमल की स्कूल, सो सीधा वहाँ पर जाएंगे।
जो उतर रही है संक्रांत कर रही है, देखते हैं कैसे आया। ये देखा तो अभी स्कूल के पास में ही पहुंच चुके हैं, जो वो फ्यूल पंप है उससे आगे ही है, शायद यहाँ से बिल्डिंग देख पाए। सो वहाँ पर जाना है स्कूल पे, आगे भी आपको एक बार दिखाई थी। सो अभी आज तो ज़्यादा भीड़ होगी तो इसलिए अच्छे से नहीं दिखा पाऊँगा। सो चलो विमल को लेके सीधा अभी निकलते हैं वापस घर की ओर। सो चलो स्टे ट्यून। सो अभी वापस घर की ओर निकल चुके हैं और देखिए यहाँ पर मूँगफली पूरी बिगड़ चुकी है, पूरी काली हो गई है और थोड़ी सी है वो पीली हो गई है ज्यादा। यहाँ पर फोर व्हील नीचे जा चुकी है, देखिए पूरी खराब हो गई है। ये बॉल दिख रहा है उसके पास में, देखिए गिर गई पूरी नीचे चली गई, बहुत ही नुकसान दिख रहा है। वैसे आपको कैमरे में इतना अच्छे से नहीं दिखाऊंगा, उसके लिए सॉरी। सो यहाँ पर देखिए मूंगफली निकाली हुई ताजी ही है और पास में देखिए ओपनर आ चुका है और मिनी ट्रैक्टर से देखिए शायद वो उपाड़ भी रहे है, मतलब उठा रहे है वो देखिए। सो यहाँ पर ओपनर आ चुका है, ओपनर भी स्टार्ट होने ही वाला होगा यहाँ पर देखो। तो यहाँ पर देखिए ओपनर भी स्टार्ट हो चुका है और कहीं जगह पर मूंगफली निकाली भी नहीं है, कहीं पर निकल रही है और कहीं पर इस तरीके से निकलने लगे है ओपनर से। सो सभी जगह पर अलग अलग काम हो रहा है, एक साथ नहीं हुआ है, मूंगफली सभी के साथ में नहीं निकल रही है, कहीं पर निकल रही है तो कहीं पर नहीं निकल रही। और ये देखिए हमारे गांव की फेमस होटल कृष्णा पार्क आ गई है। सो वापस आ गए है हमारे गांव पे, अभी चलते हैं घर पे। सो देखिए विमल का सामान इतना है और भी एक बैग था वो ले गया है घर पे। सो पहुंच गए है घर पे और चाची को मैंने बताया नहीं था, वैसे ही निकल गया था, मैंने आपको बोला था। सो देखिए वो बोले है कब गए थे और कब आ चुके हो, लेकिन वो अभी कैमरे में तो इतना नहीं आएंगे। सो चलो अभी विमल से बातें करते हैं थोड़ी सी और फिर घर पे चलते हैं। सो देखिए घर पे आ गया है विमल, 17 दिन की है ना रजा, 17 दिन मतलब 17 दिन एंजॉय करेंगे आज। और राहुल तो स्कूल पे गया हुआ है, वरना वो भी दिख गया था शोर मचाता हुआ कहीं ना कहीं, लेकिन वो स्कूल पे गया हुआ है, उसकी भी छुट्टी अभी आने ही वाली है। सो देखिए विमल की स्कूल में छुट्टियां स्टार्ट हो गई है और घर पे आ गया है। बाकी कुछ कहना चाहोगे? सब कुछ कुशल मंगल, कुशल मंगल। तो घर पे पहुंच गए हैं अभी। सो चलो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सो चलो मिलते हैं कल अगले वीडियो में, बाय बाय।